मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान अरुण जेटली जी, श्रीमती निर्मला जी, मंच पर विराजमान एक से बढ़कर एक सभी सफल गाथाओं के रचयिता और मेरे सामने उपस्थित एनर्जेटिक इंडिया के सभी नौजवान साथियों, शायद जिनको लैंग्वेज का प्रॉब्लम है उनके लिए व्यवस्था होगी। आज सैटरडे है, सरकार का स्वभाव छुट्टी का होता है। और 6 बजने के बाद तो सवाल ही नहीं उठता है। अगर कोई आपको पूछे फर्क क्या है तो फर्क यही है। मैं भी कभी सोचता हूं कि मुझे भी ईश्वर ने आप जैसी कोई ताकत दी होती। जब रितेश को सुन रहा था तो मुझे विचार आ रहा था कि एक चाय बेचने वाले ने होटल चेन का विचार क्यों नहीं किया। लेकिन हो सकता है कि मेरे नसीब में नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाला कुछ कर पाए या न कर पाए, लेकिन देश के करोड़ों नौजवान कुछ कर पाए, ये उम्मीद तो मेरे दिल में भरी पड़ी है। जब मैंने 15 अगस्त को लाल किले से कहा स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, तो ऐसे ही हवा के झोंके की तरह बात आई और चली गई, कहीं रजिस्टर ही नहीं हुई। लेकिन आज शायद 100-125 दिन के बाद अब ये रजिस्टर होगी कि स्टार्टअप इंडिया है क्या। सीइंग इज बिलीविंग। आज देश भर के IITs में भी नौजवान आपको देख रहे हैं। देश के कई स्थानों पर युवा इस कार्यक्रम को सुबह से बैठ करके वे भी आपके साथ हिस्सेदार हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि सरकार ये करेगी तो ये होगा, सरकार ये करेगी तो ये होगा। मेरी सोच थोड़ी अलग है। मेरी सोच ये, सरकार ये न करेगी तो इतना सारा होगा। और इसलिए आज आप सबको इसलिए इकट्ठा किया है कि आप हमें बताइए हमें क्या क्या नहीं करना है। 70 साल तक बहुत कुछ किया हमने। और हम कहां पहुंचे?
और मैं कहता हूं कि एक बार हम न करने का निर्णय करें तो ये लोग 10 साल में देश को कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। देश के हर इंसान के दिल में एक ख्वाब होता है, उस ख्वाब के साथ उसके मन में कुछ विचार भी होता है, आइडियाज भी होते हैं। कुछ लोगों के आइडियाज हर दिन पैदा होते हैं और शाम होते होते बाल मृत्यु हो जाता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आइडिया के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो उससे बाहर नहीं निकलते हैं और पूरा परिवार परेशान हो जाते हैं कि कुछ करता नहीं, बस इसी में लगा रहता है, किसी से बात नहीं करता है, कुछ यार दोस्तों से नहीं मिल रहा है, क्या हो गया है इसको, कहीं पागल तो नहीं हो गया। लेकिन वही एक दिन कुछ कमाल करके दिखा देता है, तब पूरे परिवार को लगता है नहीं नहीं साहब, इसमें तो पहले से ही ऐसा था। आप में से सबके जीवन में एक अनुभव आया होगा, जो सर्वनाश आपने सुना, किसी की मां ने कहा हो या न कहा हो, लेकिन कम अधिक मात्रा में आपको सबको अनुभव आया ही होगा, क्योंकि ज्यादातर ये फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, ऑल स्टार्टअप्स। और जब कुछ सोचा होगा नहीं बेटे अपना काम नहीं तो कहीं नौकरी कर ले, शुरू में जब दोस्तों ने सुना होगा बहुत मजाक उड़ाया होगा, उपहास किया होगा, जाते आते आपको उसी उपनाम से सुनाते होंगे, ये कुछ करने वाला है, ये करने वाला है। फिर एक पल आया होगा, सारी दौर विरोध हुआ होगा, सब दौर परिवार के लोगों ने विरोध किया होगा, नहीं ये नहीं करना है, जाओ कमाओ रोज नौकरी कर लो, देखो उसका पहचान है, वो नेताजी को जानते हैं, जाओ उसको मिल लो। उस विरोध के बावजूद भी जो टिके होंगे, आज सब लोग कहते होंगे कि यार इसने तो कमाल कर दी, कुछ ऐसा मुझे भी करना है। हर किसी के स्टार्टअप की जिंदगी की यही कहानी है, एक भीतर से एक ऊर्जा होती है, भीतर में एक सपने होते हैं, उसके साथ खप जाने का इरादा होता है, तब जाकर के परिस्थितियां पलटती हैं। और दुनिया में हर किसी ने यही किया होगा। कभी आज हम सोचें कि 1423 कोलंबस जब निकला होगा क्या मिलने वाला था, लेकिन उसको लगा होगा कि कोई एक नया रूट मुझे खोजना है, विश्व को मुझे जोड़ना है, और वो चल पड़ा। और चलने के पहले उसने ढेर सारी चीजों का अध्ययन किया होगा, टेक्नोलॉजी डेवलप की होगी, और नया एक उसने स्पाइस रूट को दुनिया को दिया होगा। आज जो स्पेस में काम कर रहे हैं, शुरू जब हुआ होगा तब लोग मजाक उड़ाते होंगे, यार ये क्या कर रहे हैं। हर चीज की कहीं शुरुआत होती है, तो जो करता है उसी को दिखता है क्या होने वाला है, औरों को वही दिखता है कि ये पागल है। और इसलिए जिन्होंने ये सफलता पाई है वे सिर्फ एंटरप्रेन्योर नहीं है, एक प्रकार से एडवेंचर उनकी प्रकृति का हिस्सा है, तब जाकर के होता है। स्टार्टर की सक्सेस सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी से नहीं है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, एडवेंचर करने का इरादा, ये उसके साथ जुड़ता है। और तब जाकर के हम दुनिया को कुछ दे सकते हैं।
स्टार्टअप, मैं कल एडम से बात कर रहा था तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको मिलने जैसा है, उसको हिंदुस्तान की स्पिरिचुअल दुनिया में बड़ा इंटरेस्ट है। लेकिन उसने मुझे एक बात अच्छी बताई, वो कह रहा है जो पैसे कमाने के इरादे से आता है वो कभी स्टार्टअप कर ही नहीं सकता है। जो कुछ करने के इरादे से आता है पैसे उसके लिए बाय प्रोडक्ट होते हैं। और आप सबने देखा होगा कि आप लोगों ने जब शुरू किया होगा तब आपने बैंक बैलेंस क्या होगा ये कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन किसकी जिंदगी में क्या बदलाव लाता हूं यह सोचा होगा, तब हुआ होगा। उबेर कुबेर बन गया, हमारे यहां कुबेर भंडारी होते थे ना पहले, मैं नहीं मानता हूं उसने पहले सोचा होगा, उसने पहले यही सोचा होगा कि भाई लोगों की समस्या का मैं समाधान कैसे करूं, सस्ते में कैसे करूं, और उसमें से एक व्यवस्था विकसित हो गई। जब स्टार्टअप की चर्चा होती है तो ज्यादातर आईटी के आसपास ही सोचा जाता है, और अब हर कुछ कितने कदम दूर है, बस ऐप के पास पहुंच के हो गया, हर समस्या का समाधान ऐप। खैर मैं उससे बहुत बेनिफिशियरी हूं क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी ऐप शुरू किया है, मुझे इतने नए युवा विचार मिलते हैं, इतने लोगों से जानने को मिलता है। और मैं आपसे भी आग्रह करता हूं, देश भर के इस प्रकार के स्टार्टअप और दुनिया भर के लोगों से मैं कहता हूं, आप मेरे ऐप के साथ जुड़ करके आपकी सक्सेस स्टोरी बताइए, मैं दुनिया को बताऊंगा। क्योंकि यही वायरल होने वाला है, सक्सेस स्टोरी ही वायरल होने वाली है, और लोगों का मन मंदिर जो है वो सफलता को जकड़ने वाला है। निराशा का माहौल चला गया, गया वो दिन पूरे हो गए, आशा विश्वास कर गुजरने का इरादा ये समय की नजर आ रहा है, और वही स्थितियों को बदलता है, वही परिस्थितियों को परिवर्तित करने के लिए ताकत रखता है, और वो मैं अनुभव कर रहा हूं। और आज मैं जैसे ही यहां एंटर हुआ सब ने मुझे एक ही रिपोर्ट किया, साहब क्या एनर्जी है सब इस कार्यक्रम में, ये विज्ञान भवन को पहली बार भरा नहीं है लेकिन एनर्जी पहली बार भरी है। और ये सभागृह में भले एनर्जी होगी लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों के मन मंदिर का प्रतिबिंब है, यहां पर उनकी आशा आकांक्षाओं का प्रतिध्वनि है यहां पर, और उस अर्थ में इसका अपना एक महत्व है। जो ऐप बनाता है या जो स्टार्टअप की दुनिया में एंटर होता है या कोई नई चीजों को इनोवेट करता है, उसके मूल में कुछ नया करने का इरादा होता है, एडवेंचरस नेचर होता है, हर चीज की गहराई में जाने का स्वभाव होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है उसके अंदर एक संवेदना होती है। बहुत कम लोग इस बात को अनुभव कर पाएंगे, उसके अंदर एक संवेदना होती है, और जब वो कोई बुरे हाल देखता है, कोई समस्या देखता है, वो उसे सोने नहीं देती। समस्या उसकी नहीं है, किसी और की है, लेकिन उसे सोने नहीं देती है। उसका मन करता है मैं कोई रास्ता खोजूं, मैं कुछ करूं इसके लिए। मैं अभी बाहर आपका वर्चुअल एग्जीबिशन देख रहा था, वहां मुझे एक सिंपल चीज किसी ने बताई, एक ऐसा ही पैड था हार्डबोर्ड का और बेल्ट था। अब इतने बड़े स्टार्टअप की दुनिया में उसको कहाँ रखा होगा वहां, मैंने पूछा, बोले साहब हमारे देश में बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट होने के बाद जो इंजर्ड व्यक्ति है उसकी हड्डी तो टूटती टूटती है, उसको ले जाना है
तो मेडिकल सर्विसेज के लोग आए हैं तब तो क्या करें। तो उन्हें एक हार्ड बोर्ड पर एक सामान्य चीज बनाई है, उसके पैर के नीचे लगा दो, पट्टी कैसे बांध दो सर उस पर लिखा हुआ है। बोले कोई खर्चा नहीं है। अब इसका मतलब कि उसके दिल में आग लगी होगी एक कि एक्सीडेंट होता है बेचारा कितना परेशान होता है, ले जाता ही दो हड्डी और टूटती है। उसमें से उसने सोचा और वो एक इनोवेशन बन गया। किसी के लिए जो दर्द होता है, जो हमें दुआ देने की ताकत दे या ना दे, हमारे भीतर एक ऐसी अवस्था पैदा करती है जो इन लाखों करोड़ों के दर्द को दूर करने का कारण बन जाती है और तब स्टार्टअप होता है। और इसलिए आपका ये स्टार्टअप का अभियान, ये बैंक बैलेंस और रुपये पैसे कीर्ति उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, जन सामान्य को समस्याओं से मुक्ति दिलाना, सुविधाओं को सरल करना, इस एक महत्वपूर्ण काम को करने की ताकत रखता है। और इसलिए अगर हम हमारे आसपास बारीकी से देखें तो हमें लगेगा यार भगवान ने मुझे बुद्धि दी, मैं पढ़ा हूं, मैं टेक्नोलॉजी जानता हूं, मैं सोचूं इसका समाधान, मैं खोजूं कुछ, और फिर वो शुरू कर देता है। हर कोई सामान्य मानवी क्या करेगा, बेचारा उसे जूझेगा, या तो व्यवस्था को कोसेगा, कहेगा ये नहीं किया, वो नहीं किया, डिकना नहीं किया, खुशी हो गई, मीडिया वाला होगा तो रिपोर्ट कर देगा, समस्या की वैसी वैसी रह जाएगी, समस्या वैसी की वैसी रह जाएगी। लेकिन जिसके मन में ये जो चेतना पड़ी हुई है वो उसका उपाय खोजेगा और वो स्टार्टअप को कारण बनता है। अब यहां इतने नौजवान है, मेरे मन में आता है कि आप लोग सोचिए, हमारे देश का किसान इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है, और जो अनाज की पैदावार होती है बहुत मात्रा में वो बेच जाता है, बर्बाद होता है। अब पुराने जमाने के इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए पैसे, ये व्यवस्थाएं, क्या मेरा कोई नौजवान उस पर दिमाग लगा करके ऐसी व्यवस्थाएं विकसित कर सकता है कि जो एफोर्डेबल हो, और इतना बड़ा हमारा जो वेस्टेज है वो बच जाए। हो सकता है शायद दुनिया के अनेक गरीब देशों का पेट भर सकते हैं, इतना वेस्टेज जा रहा है। हमारे फल फूल सब्जी, फल पैदा करने वाला किसान पहाड़ियों में रहता है, शहर में आने तक बेचारे का माल खराब हो जाता है। हम वो क्या टेक्नोलॉजी दे, क्या व्यवस्था दे आधुनिक। मैं अभी एक दिन कुछ ये एरेटेड वाटर बना रही कंपनियों वालों को मिला था। मैंने कहा आप इतना बढ़िया बढ़िया बनाते हो, पेप्सी और कोला और न जाने क्या क्या है, मुझे नाम भी मुझे मालूम नहीं, क्यों ना आप 2% 5% नेचुरल फ्रूट जूस कंपलसरी उसका हिस्सा बना दें, हिंदुस्तान के हर किसान जो पैदावार करता है अपने आप बिक जाएगी। अगर इस पर कोई सोचे, आप देखिए आज हमारे ही देश के वैज्ञानिकों ने फार्मास्यूटिकल के द्वारा, हमारे ही लोगों ने वैक्सीन में काम किया, आज दुनिया के अधिकतम देशों में अधिकतम गरीब लोगों को सस्ते में सस्ता, बालकों को अगर वैक्सीन कहीं से पहुंचता है तो भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा किया हुआ पहुंचता है। और इन दिनों जितने भी लोग मुझे मिलते हैं वो कहते हैं साहब हमारी मांग बहुत है, उसके प्रोडक्शन के लिए और क्या रास्ता निकाले। लोग अपना डोनेशन देने के लिए तैयार होते हैं कि हमने जो भारत के लोगों ने जो वैक्सीन की दिशा में कितने करोड़ों करोड़ों बालकों की जिंदगी बच रही है। जिसने लैब में बैठ करके काम किया होगा, जिसने कंसेप्ट सोचा होगा, उसकी तो उस समय पहचान नहीं हुई होगी, लेकिन आज लगता है कि उसने कितनी बड़ी मानवता की सेवा की। हम ऐसी कौन सी चीजें करें जिसके कारण हमारे यहां, अब जैसे हमारे एटॉमिक एनर्जी वालों ने ओनियन को लंबे समय तक बचाने के लिए काफी व्यवस्थाएं विकसित की है, क्योंकि प्याज के दाम कभी ऊपर कभी नीचे चले जाते हैं तो सरकारों का सांस भी ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन क्यों क्यों तो उसमें लंबे समय रहता नहीं, खराब हो जाता है। उत्पादन ज्यादा हुआ तो भी किसान मरता है, उत्पादन कम हुआ
लेकिन उसको प्रिजर्व करने की व्यवस्थाएं अगर विकसित होती है, एटॉमिक एनर्जी वाले इसमें काफी काम कर रहे हैं, लेकिन वो इतना कॉस्टली होता है, क्या हमारे स्टार्टअप की दुनिया के नौजवान ऐसी चीजों में जाएं? आईटी के दायरे से बाहर निकल करके हम और ऐसे छोटे छोटे पुर्जे अब भारत में जुगाड़, मैं समझता हूं शायद ऐसा इनोवेटिव इंडिया दुनिया में कहीं नजर नहीं आएगा जी। आप हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई इनोवेशन है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि बिजली नहीं है तो अपनी मोटरसाइकिल से पंप चलाते हैं और पानी निकालते हैं और खेत में पानी पहुंचा देते हैं। उसने अपने तरीके से ढूंढा होता है। ऐसे जुगाड़ करने वाले लोगों की कमी नहीं है, लेकिन वो जुगाड़ करता है, अपनी व्यवस्था को संभाल लेता है। लेकिन अगर हमारे पास उस प्रकार की दृष्टि हो, दर्शन हो, देखे तो हमें स्पार्क होता है, यार इसको मैं स्केलेबल करूं, ऐसी एक व्यवस्था में बना दूंगा। हम जब मेक इन इंडिया कहते हैं तो मेक फॉर इंडिया भी है, क्योंकि 125 करोड़ का देश है, इतना बड़ा मार्केट है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो फुल प्रूफ कैसे बने, आसान कैसे हो और सामान्य मानवी के लिए वो इजीली एक्सेसिबल कैसे हो, ये अगर व्यवस्थाएं देने में हम सफल होते हैं। और मैं मानता हूं कि हमारे देश का नौजवान हमारी अपनी समस्याओं को, यहां किसी ने कहा कि मैं अगर उस देश को उसकी समस्याओं को समझूंगा, शायद तिवारी ने कहा, मैं अपनी समस्याओं को समझूंगा तब जाकर के मुझे रास्ते खोजने का सूझेगा। और ये जितना हमारा बढ़ेगा, देश के विकास के लिए बहुत संभावना है। उन संभावनाओं को लेकर के, छोटी छोटी आवश्यकताओं से लेकर के बड़ी बड़ी, और स्टार्टअप का मतलब ये तो नहीं है कि हर किसी के पास $1 बिलियन का काम हो रहा है और 2000 लोग काम करें, जरूरी नहीं है। 5 लोगों को भी अगर मैं रोजगार देता हूं तो मेरा स्टार्टअप मेरे देश को आगे बढ़ा रहा है। एक साइकोलॉजिकल चेंज लाना है कि यूथ के दिमाग में जॉब सीकर की मानसिकता से उसको बाहर लाना है, वो जॉब क्रिएटर बने। और एक बार उसके दिमाग में आ गया कि मुझे 2 लोगों के जिंदगी के बाद संभालना है, वो कर लेगा। हमारे देश में एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दिया जाता है, टीचर के अपॉइंटमेंट पर बल दिया जाता है, वो काम हो भी रहा है, लेकिन समय की मांग है क्वालिटी एजुकेशन की। गरीब से गरीब, दूर सुदूर जंगलों में रहने वाला व्यक्ति हो, पहाड़ों में रहने वाला व्यक्ति हो, मैं ऐसे कैसे चीजों को खोज के निकालूं कि उसी क्वालिटी का एजुकेशन जो अमीर घराने के बच्चों को मिलता है, उस टेक्नोलॉजी के द्वारा गरीब से गरीब तक मैं कैसे पहुंचाऊं। और देश तब बदलेगा कि हम समाज के आखिरी इंसान को इस सुविधाओं से लाभान्वित करके उसकी जिंदगी बदलने का अवसर दे। हमें उसको फीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उसको क्वालिटी एजुकेशन मिलता है तो वहां भी ऐसे स्पार्क वाले बच्चे होंगे जो उठ करके खड़े हो जाएंगे और दुनिया बदल देंगे। हेल्थ सेक्टर, आज हेल्थ सेक्टर ज्यादातर डॉक्टरों पर डिपेंडेंट कम है, टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है। डॉक्टर भी खुद टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है। मशीन तय करता है कि तुम्हें क्या तकलीफ है, फिर डॉक्टर कहता है ठीक है मैं किताब देख कर ले लो। इसका मतलब हेल्थ सेक्टर में टेक्नोलॉजी इनोवेशन की संभावनाएं बढ़ती चली जा रही है, लेकिन भारत जैसे देश में ये अफोर्डेबल कैसे हो, ये हमारे सामने चुनौती है। सस्ते में सस्ता व्यवस्था का कैसे बने, इस पर हम सोचे, नएपन से सोचे। और इसलिए स्टार्टअप कहने के बाद कुछ लोगों की सोच होती है तो बड़ा हाईफाई होगा, लैपटॉप के बाहर दुनिया कुछ नहीं होगी, मोबाइल से जुड़े होंगे, ऐसा नहीं है। ये लोग हैं जिन्होंने कोई ना कोई कमाल किए, यहां हर प्रकार के लोग हैं। आप देखिए हैंडीक्राफ्ट,
भारत का हैंडीक्राफ्ट दुनिया में अपना डंका बजाएं, ऐसी आप ऐप बना करके दुनिया में प्लेटफॉर्म क्यों ना खड़ा करें। सिर्फ ई कॉमर्स नहीं, हम उससे दो कदम आगे कैसे जाएं और उसमें जैसी ग्लोबल रिक्वायरमेंट हो वैसे डिजाइनिंग भी प्रोवाइड करें, ताकि हमारा जो गरीब आदमी गांव में बैठकर के छोटी चीजें बनाता है उसको भी आइडिया मिला कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो, यहां स्टिच मत करो, यहां करो, लकड़ी ऐसे मत रखो, लकड़ी ऐसे रखो, वो अपने आप बदलता रहेगा और आपकी रिक्वायरमेंट को पूरी करेगा। इसके लिए जो कनेक्टिविटी चाहिए ये बड़ी रिक्वायरमेंट है, और ये काम आप नौजवानों के दिमाग से हो सकता है। और इसलिए मैं जब कहता हूं स्टार्टअप इंडिया, तो मैं मान के चलता हूं स्टैंडअप इंडिया। इसके लिए मुझे अलग सोच करने की जरूरत नहीं है। जिस देश के पास 800 मिलियन 35 से कम आयु के नौजवान हो, जिस देश के नौजवानों के पास टैलेंट हो, हाथ में हुनर हो, अपरंपार सपने हो और पूरी दुनिया में अवकाश ही अवकाश हो, क्या नहीं हो सकता है। आज मैं आईटी प्रोफेशनल से कहना चाहूंगा, विश्व के किसी भी दुनिया के देश के नेताओं से मैं मिलता हूं, दुनिया का कोई भी डेलीगेशन आता है, उनकी जो बातों में होती है उसमें एक चिंता हर एक को सता रही है और वो है साइबर सिक्योरिटी। हर कोई परेशान है साइबर सिक्योरिटी को लेकर के। क्या भारत साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में अथॉरिटी बन सकता है? एक बार हिंदुस्तान का ब्रांड का साइबर सिक्योरिटी का सॉफ्टवेयर मिल गया, अब दुनिया की कोई ताकत उसको हिला नहीं सकती है। कर सकते हैं क्या? मानव जात के लिए चुनौतियां आवश्यक हैं, क्योंकि सरफरे लोग तो हैं जो तबाही करने पर तुले हुए हैं, लेकिन हम मानवता को बचा भी तो सकते हैं। हमारे पास इस प्रकार के लोग हैं, और ये भी सही है, भारत के पास मिलियंस ऑफ मिलियन प्रॉब्लम है, कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे इस बात का भरोसा भी है कि बिलियंस ऑफ बिलियन माइंड भी है। अगर मिलियन प्रॉब्लम है तो बिलियन माइंड भी तो हमारे देश में है। हर स्टार्टअप के पीछे कोई न कोई समस्या के समाधान का इरादा रहना चाहिए, और जब किसी स्टार्टअप के पास समस्या के समाधान का इरादा होगा तो उसकी संतोष का लेवल भी कहीं कुछ और होगा जी। जब किसी की जिंदगी में बदलाव लाता है तो उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, और इसलिए मैं वो कुछ करके दिखाऊं जिसमें मैं जॉब क्रिएटर बनूं, मैं वो कुछ करके दिखाऊं कि जिसके कारण किसी की जिंदगी में मैं काम आऊं, मैं वो कुछ करके दिखाऊं कि मेरे देश को एक कदम आगे ले जाने में मेरा भी कोई योगदान हो। इतना भी अगर सपना लेकर के हम चलते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आज यहां हमारे सामने एक एक्शन प्लान प्रस्तुत हुआ है। उस एक्शन प्लान की कुछ विशेषताएं हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा, ताकि आप सुबह से सारी बातें सुन रहे हैं लेकिन आखिरकार ये भी तो हो गए क्या करके होने वाला है। सबसे पहला मेरा घोष वाक्य है कि सरकार बीच में ना आए, बस बहुत कुछ हो जाएगा। और उसी विचार के आसपास जो की चीजें बनाई है, एक तो हमने महत्वपूर्ण निर्णय किया है वो है सेल्फ सर्टिफिकेशन आधारित कंप्लायंस की व्यवस्था। स्टार्टअप्स के लिए नौ श्रम और पर्यावरण कानून जो आपको प्रभावित करते हैं के संबंध में सेल्फ सर्टिफिकेशन को हमने इंट्रोड्यूस किया है। और एक बात, 3 साल तक कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा।
और आप समझ सकते हैं जब इंस्पेक्टर नहीं आएगा तो कितनी सुविधा रहती है। दूसरी बात है स्टार्टअप इंडिया हब, सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट, यह हम व्यवस्था खड़ी करने जा रहे हैं, और हैंड होल्डिंग की व्यवस्था। स्टार्टअप में जैसे इन नौजवानों में एक विशेषता मैंने देखी, इन लोगों से मैं कल से बातें कर रहा हूं, काफी कुछ मैं भी उनसे सीख रहा हूं, हर एक के दिमाग में एक चीज रही है कि वो अपना तो कर रहे हैं लेकिन गार्डियन के नाते, मेंटरिंग के नाते बहुत अच्छा काम कर, हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, ये उनका अपना सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन के रूप में कर रहे हैं, मेंटरिंग के रूप में वो औरों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, और इसलिए हैंड होल्डिंग की व्यवस्था उस पर हम बल देना चाहते हैं। एक मित्र के रूप में, एक सलाहकार के रूप में, एक साथी के रूप में सरकार कैसे आपके साथ काम करे। मोबाइल ऐप और पोर्टल इस वर्ष की 1 अप्रैल से स्टार्टअप्स के लिए ऑनलाइन पोर्टल और एक मोबाइल आधारित ऐप से जरिए संचालित होने वाला एक छोटा सा फॉर्म शुरू किया जाएगा। वरना हमारे यहां तो एड्रेस भी लिखते हैं तो 10 लाइन का होता है, फलाना गांव, फलानी गली के सामने, फलाने मोहल्ले से गुजरते हुए पिछली खिड़की में। मूलतः हम लोगों का स्वभाव हर चीज को बड़ा करना, लंबा करना है, तो इसको एक मोबाइल फोन पर सिंपल सा एक छोटा सा एप्लीकेशन फॉर्म बन जाए, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और इसको रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी उसी प्रकार से होगी, एक और प्रॉब्लम रहता है स्टार्टअप के लोगों के लिए पेटेंट का, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ये सबसे बड़ी बात रहती है, क्योंकि आखिरकार वही तो पूंजी है स्टार्टअप वालों की, अगर उसको प्रोटेक्शन नहीं मिला। लेकिन कभी कभी हमारे यहाँ पेटेंट के लिए महीनों लग जाते हैं प्रोसेस में, ये चिंताजनक व्यवस्था को बदलना है, और पेटेंट रजिस्ट्रेशन का शीघ्र पता लगाना एवं कानूनी सहायता, हम नए प्रयोगों को प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता को समझते हैं। हम स्टार्टअप्स के IPR संरक्षण की स्कीम ला रहे हैं, जिसमें स्टार्टअप्स को पेटेंट आदि के आवेदन शीघ्र फाइल करने के में सहायता मिलेगी। और ये भी सही है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की दुनिया में विश्व में जितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं उसमें काफी पीछे हैं हम लोग, IP में नहीं है लेकिन IP में है। हमारे पास यूथ प्रॉपर्टी है YP, और वो मुझे YP और IP को मिलाना है ताकि हमें कुछ ज्यादा परिणाम मिले। हम ये भी एक सोच रहे हैं कि भारत के प्रमुख शहरों में एक इस काम के लिए फैसिलिटेशन की व्यवस्था हो, स्थानीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो या और लोग हो, उनके साथ मिलकर के इस विषय के वकीलों की का एक समूह हो, इन सबको जोड़ करके उनको कैसे निःशुल्क व्यवस्था हो ताकि इस फील्ड में काम करने वाले वकीलों की संख्या बहुत कम है और फी भी बहुत ज़्यादा है, और उसको लगता है कि भाई इस काम के लिए मैं इतने रुपये दूँ, देखो अभी करता रहूँ और उसमें उसकी प्रॉपर्टी चोरी हो जाती है, बेचारा कहीं का रहता नहीं है। तो इसलिए बिना पैसे उसको ये व्यवस्था मिले। उसी प्रकार से फीस में भी आज जो फी है पेटेंट के लिए उसमें हम 80% रिडक्शन करेंगे।
क्योंकि देखिए भारत का भविष्य भी इनोवेशन और क्रिएटिविटी में है, और इनोवेशन और क्रिएटिविटी को जितना हम बल देंगे उतना ही हमें परिणाम मिलेगा। हम स्टार्टअप्स के लिए सार्वजनिक खरीद की शर्तों में भी छूट देने का निर्णय कर रहे हैं। सरकारी खरीद में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए हम एक्सपीरियंस एंड टर्नओवर के आधार पर स्टार्टअप को छूट देंगे। हमारा देश में क्या प्रॉब्लम है, कोई भी काम है तो पूछते हैं कितना टर्नओवर है, वो कहता है मौका दोगे तभी तो टर्नओवर शुरू होगा, या कोई काम देते बोले कितना एक्सपीरियंस, वो कहता है भाई एक्सपीरियंस की शुरुआत तो करो कैसे। और इसलिए नए के लिए दरवाजे बंद करने की व्यवस्था है, हम उसमें छूट देने की दिशा में बहुत सीरियसली आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि क्वालिटी को, हाँ उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, लेकिन नया है इसलिए उसको मौका न मिले, ये स्थिति तो बदलनी है, तभी नौजवानों को अवसर मिलेगा। लेकिन मेरा आग्रह है जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट, तो इस पर हम जरूर बल देंगे। एक और चिंता का विषय है, हमारे देश में एग्जिट के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है, एक बार पाइप में आ गए, और इसलिए स्टार्टअप्स के लिए हम सबसे पहले एक एग्जिट की व्यवस्था कर रहे हैं। हम यह भली भांति समझते हैं कि एक विशाल और सफल कारोबार का निर्माण करने के लिए असफलताओं से बचा नहीं जा सकता, असफलताएं होगी, और मैं सबसे ज्यादा असफलताओं के लिए हिम्मत करने वालों को प्रमोट करना चाहता हूं। जो पानी से भागता है वो कभी तैरना नहीं सीख सकता है, एक बार तो डूबना ही पड़ता है तब जाकर के तैरना शुरू होता है, और इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए 90 दिन के भीतर स्टार्टअप्स एग्जिट कर पाए, हम ऐसी व्यवस्था करने के लिए संसद में बैंकरप्सी बिल 2015 हम लाए हैं। अब बाकी मुसीबत तो आप जानते हैं, अब आप नौजवान अपने ट्विटर फेसबुक की दुनिया में मैसेज दीजिए काम अटका पड़ा है पार्लियामेंट में। हो सकता है आप समझेंगे कुछ लोग, फंड ऑफ फंड्स, स्टार्टअप की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अगले 4 वर्षों में 2500 करोड़ रुपए की प्रतिवर्ष आवंटन के साथ 10,000 करोड़ रुपए का डेडिकेटेड फंड बनाया जाएगा। वैसे आपने देखा होगा पिछले दिनों इस काम को शुरू किया है, स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड आपके फंड संबंधी आवश्यकताओं में सहायता करने के लिए हम अगले 4 वर्षों में प्रति वर्ष 500 करोड़ रुपए की निधि के साथ आपके क्रेडिट गारंटी स्कीम लाएंगे, और इसके कारण मैं समझता हूं काफी सुविधाएं आपकी बढ़ जाएगी। उसी प्रकार से टैक्स इंसेंटिव्स, स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए हम सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त फंड्स के निवेश किए जाने वाले कैपिटल गेन टैक्स की छूट देना चाहते हैं।
अब बाकी बात तो फाइनेंस मिनिस्टर करेंगे, लेकिन मैंने उनके हाजिरी में बोल दिया है तो गाड़ी आगे चलेगी। कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति बेचने से आए हुए धन को अपने ही स्टार्टअप में लगाए तो कैपिटल गेन से उसे मुक्ति दी जाएगी। स्टार्टअप से प्रॉफिट को 3 साल के लिए इनकम टैक्स से मुक्ति दे दी जाएगी। विमेन एंटरप्रेन्योर की संख्या बढ़ रही है, विमेन स्टार्टअप्स की। मैं सरकार से कहूंगा कोई विशेष योजना उनके लिए बना सकते हैं तो। हम फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर इन्वेस्टमेंट पर लगने वाले टैक्स से संबंधित आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। इंक्यूबेशन एंड इंडस्ट्री एकेडमिया, ये बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है, क्योंकि इसके बिना इस विषय को डेवलप नहीं किया जा सकता। और इसके लिए अटल इनोवेशन मिशन एम विश्व स्तरीय इनोवेशन हब को बढ़ावा देने, टेक्नोलॉजी आधारित स्टार्टअप्स को कॉम्पिटेटिव बनाना और उसके लिए एक अटल इनोवेशन मिशन प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर रहे हैं। इसका उद्देश्य प्रतिभा उपयोग के उद्यमिता को बढ़ावा देना तथा इंक्यूबेटर्स के नेटवर्क को सुदृढ़ करना। इसके तहत सेक्टर स्पेसिफिक इंक्यूबेटर्स को निर्माण करना है, 500 टिंकरिंग लैब्स तैयार होंगे, प्री इंक्यूबेशन की अलग व्यवस्था की जाएगी, मौजूदा जो इंक्यूबेशन सेंटर है उसको और बलवान बनाया जाएगा और स्टार्टअप्स को सीड कैपिटल भी दिया जाएगा। इनोवेशन को एक राष्ट्रीय स्तर पे अवार्ड देने की दिशा में भी सोचा जाएगा, जिसके कारण इस बात को प्रोत्साहन मिले उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। वर्तमान में ऑलरेडी 35 नए इंक्यूबेशन सेंटर स्थापना करने का तो काम चल ही रहा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का भी मॉडल इसमें लिया है और करीब 35 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से नए इंक्यूबेशन सेंटर बन रहे हैं। राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं उसमें 31 सेंटर्स ऑफ इनोवेशन, 13 स्टार्टअप सेंटर्स और 18 टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स की स्थापना का भी काम चल रहा है। अभी आपने IIT मद्रास का देखा, उन्होंने रिसर्च पार्क में जिस प्रकार से काम खड़ा किए हैं, 100 से ज्यादा कंपनियां उस पर काम कर रही है। इसी प्रकार से हम 7 और सेंटर खड़े करना चाहते हैं देश में और उसके लिए करीब 100 करोड़ रुपीज भारत सरकार देगी ताकि ये काम आगे बढ़े। बायोटेक्नोलॉजी भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें हम जितना बल दें उतना कम है, और बायोटेक्नोलॉजी में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए 5 नए बायो क्लस्टर्स, 50 नए बायो इंक्यूबेटर्स, 150 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफिसेस और 20 बायो कनेक्ट ऑफिसेस बनाने का निर्णय किया है। विद्यार्थियों में भी एक टैलेंट रहती है इस विषय में, इवन स्कूल के बच्चों में भी कुछ न कुछ इनोवेशन का स्वभाव रहता है। इसको बढ़ावा देना है क्योंकि भारत ने इनोवेशन में कुछ न कुछ कर दिखाना होगा।
तो छात्रों के लिए इनोवेशन आधारित कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, क्योंकि उनके अंदर ये जो स्पार्क पड़ा हुआ है उसको अगर चैनलाइज करें तो देश को बहुत कुछ मिल सकता है। स्कूली छात्रों के लिए इनोवेशन के कोर प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे और 5 लाख स्कूलों में 10 लाख बच्चों पर फोकस करके इस काम को बढ़ावा दिया जाएगा। इंक्यूबेटर ग्रांड चैलेंजेस, सरकार 10 ऐसे इंक्यूबेटर की पहचान करेगी जो वर्ल्ड क्लास बनने की क्षमता रखते हैं। इनमें से प्रत्येक को 10 करोड़ रुपए की सरकार की तरफ से सहायता दी जाएगी। स्टार्टअप्स के लिए कोई ना कोई इवेंट करने रहेंगे ताकि क्या हो रहा है इसका भी परिचय होना जरूरी है, और इसलिए स्टार्टअप फेस्ट इसकी एक परंपरा हमारे देश में बननी चाहिए। मैं जब गत सितंबर में यूएस गया, हमारे शुक्ल जी यहां बैठे हैं, तो और काफी मित्र उस समय थे वहां, यूएस में स्टार्टअप की दिशा में भारतीय लोगों ने बहुत कुछ काम किया है, तो मैं हिंदुस्तान से 40 ऐसे स्टार्टअप के लोगों को लेके गया था और वहां पर एक जॉइंट इवेंट किया था। इतना इंस्पायरिंग था, मैं काफी देर हर चीज को देखा था। भारत में भी हम स्टार्टअप फेस्ट को परंपरागत रूप से खड़ा करना चाहते हैं, सरकार उसमें जितना भी मदद कर सकती हूँ करेगी ताकि हमारे नई पीढ़ी के लोगों को देखने को भी मिले। और जैसा आपने कहा सर्व विनाश के सामने, उन्होंने कहा कि आज इस इवेंट से मुझे नए सपने देखने की ताकत मिली है, अब ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। अगर हम लगातार इस बात को करते रहते हैं तो हमारे नए लोगों को भी, जो उनके मन में कुछ पड़ा होगा, तो उनको एक अवसर मिल सकता है और उसका एक नेटवर्किंग भी अच्छा कर सकता है। तो जो योजना को मैंने आज अभी आपके सामने प्रस्तुत किया है, इसके कुछ पहलू मैंने आपके सामने रखे हैं। मुझे विश्वास है कि ये इवेंट आने वाले दिनों में भारत की युवा पीढ़ी को, भारत की टैलेंट को, भारत के लिए, मानवता के लिए कुछ न कुछ नया करने की ताकत देगी, प्रेरणा देगी। मेरी सभी नौजवानों को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। विश्व के अनेक भागों से जो लोग आए हैं, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने आकर के सबका हौसला बुलंद किया है और भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और उसमें आप लोगों की अहम भूमिका रहने वाली है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।